नमस्कार। राज्य सरकार की ओर से समय समय पर सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के लाभ देने हेतु वित्त विभाग की ओर से ऑर्डर जारी किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में आज 19 जुलाई 2024 का एक आदेश है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया गया है। ये है उन राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जिन्हें स्पेशल भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अब ये स्पेशल भत्ता कौन से कर्मचारियों को दिया जाएगा और इस स्पेशल भत्ते के लिए आवश्यक शर्तें क्या होगी, किस स्थिति में स्पेशल भत्ता रोका जा सकता है और कौन सी परिस्थिति में स्पेशल भत्ता दिया जा सकता है, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का आदेश जो एक प्रकार की ग्रांट्स है, जो केंद्र सरकार की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार के वित्त विभाग की ओर से इसका आदेश जारी किया गया है कि ग्रांट ऑफ कन्वेंस अलोवेंस टू स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज, विशेष योग्यजन जो राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारी हैं उनके लिए विशेष भत्ते का प्रावधान इस आदेश के माध्यम से किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि एक आदेश जिसका क्रमांक ये है और 16/9/2024 को और 4/1/2018 को निकला था, उसके माध्यम से कुछ योग्यताएं रखी गई है जिसके आधार पर कुछ राज्य सरकार के कर्मचारियों को विशेष योग्यजन के अंतर्गत लेकर उन्हें स्पेशल भत्ता दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। और ये जो आदेश है ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के संदर्भ में है। और ये जो कुछ कैटेगरीज है जिसे कहा गया है कि ये इन कैटेगरीज में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रति माह 1200 रुपये यानी कि 1200 रुपये अतिरिक्त विशेष भत्ता या स्पेशल अलाउंस के रूप में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अगर सरकारी कर्मचारी जो ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ है या फिर कोई अन्य किसी प्रकार की डिसेबिलिटी जो इसके अंतर्गत आती है या फिर डीप एंड डम्प यानी कि या बहरा है, गूंगा है या फिर ऐसी स्थिति में है या फिर कोई एक सामान्य इंसान से मानसिक स्तर पर थोड़ा सा कम स्थिति में है या फिर कोई किसी प्रकार से न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में भी, ये दो कंडीशंस दिए गए हैं, इस कंडीशन में होने पर भी उसे 1200 रुपये प्रतिमाह की दर से स्पेशल भत्ता दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर है, इस प्रकार की कोई बीमारी है जैसे हीमोफीलिया है या थैलेसेमिया है, इस प्रकार की कोई बीमारी है तो भी उन्हें 1200 रुपये की दर से ये दी जाएगी। इसके अलावा मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ फ्रॉम एमोंग्स पर्सन अंडर क्लोज 1, 6, 5, 6 तक अगर इसमें कोई आता है तो, अगर कोई हो इसके अलावा भी डिसेबिलिटीज़ तो उस स्थिति में भी उन्हें 1200 रुपये की दर से स्पेशल भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि कुछ चीज़ें हैं जिसका विशेष फुलफिलमेंट होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा ये भत्ता नहीं मिला जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो स्पेशल डिसेबिलिटीज़ में है और अगर वो छुट्टी पर रहता है किसी प्रकार से अवकाश पर, कैजुअल यानी कि सीएल को छोड़कर कोई अन्य प्रकार के अवकाश पर रह रहा है, मान लीजिए कोई महिला है और वो मातृत्व अवकाश पर या सीसीएल पर रह रही है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें 1200 रुपये प्रति माह की दर से दे नहीं होंगे। कोई भी पुरुष कर्मचारी भी है या अगर वो किसी प्रकार के अवकाश पर रहते हैं, मेडिकल पर रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें ये अवकाश नहीं दिया जाएगा। अगर वो सरकारी कर्मचारी जहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग का प्रावधान है तो एज ए ड्यूटी के रूप में गिना जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर विशेष ध्यान देने की है कि यहाँ पर जो सर्टिफिकेट इश्यू किए जाएंगे वो विशेष रूप से अथॉरिटी के माध्यम से, CMHO के माध्यम से ही होंगे और उसमें जो गाइडलाइंस है उसकी पालना की जाएगी, वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के नोटिफिकेशन 4/1/2008 में जो गाइडलाइन दी गई है उसी के अनुसार अगर डिसेबिलिटी से संबंधित सर्टिफिकेट है तो ही वो कर्मचारी ऐसी स्थिति में आ सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक ये आदेश है, इसकी भी पालना की जानी सुनिश्चित करनी है। 16/9/2024 का आदेश है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया गया है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। और ये आदेश है मुख्यतः ये जो
1 अप्रैल 2024 से लागू किया जाएगा उन सभी कर्मचारियों के लिए जो ऊपर दी गई डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत आते हैं, और उसी के अंतर्गत उन्हें प्रति माह 1,200 रुपये की दर से स्पेशल भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।